हले बाइबल कहती है अपने मुंह को खोलकर परमेश्वर की स्तुति करो हले सो so, समय असल में बहुत कम है और काफ़ी चीज़ें हैं तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा लेकिन आज परमेश्वर के वचनों को हम सुनेंगे कितने लोग प्रभु के वचनों को सुनने के लिए आप तैयार हैं आप तैयार हैं ओके okay. आइए हम लूका के पुस्तक में देखें उन्नीस का एक से दस कोई अगर पढ़ सकता है तो लुका की पुस्तक 19 अध्याय का एक से लेकर पढ़िए प्रभु यीशु मसीह यरियो में प्रवेश करके जा रहा था वहां जब कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था वह यीशु मसीह को देखना चाहता था कि वह कौन सा है परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था क्योंकि वह नाटा था तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि येशु उसी मार्ग से जाने वाला था जब येशु उस जगह पहुंचा, तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा हे जगकई झट उतर आ क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक है वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा हे hey, प्रभु देख मैं अपनी आदि संपत्ति कंगालों को देता हूँ और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ तब यशु मसीह ने उसे कहा आज इस घर में उद्धार आया है बस मसीह ने कहा आज इस घर में उद्धार आया है आ, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं सभी लोग ध्यान से सुने सभी लोग सुन रहे कितने लोग सुन रहे ओके ये जो जगई था ये जब छोटा सा था तो हो सकता है इसके अंदर कुछ तमन्नाएं थी कुछ इच्छाएं थी और आज भी छोटेपन से बच्चों को पूछो तो क्या बनेगा एक कहता मैं डॉक्टर बनूंगा दूसरा कहता मैं वकील बनूंगा तीसरा कहता मैं पुलिस वाला बनूंगा हर किसी को जिंदगी में कुछ ना कुछ बनने की इच्छा रहती है हर किसी को कुछ ना कुछ बनने की तमन्ना रहती है मैं आपको तीन चीज पूछना चाहता हूँ नंबर एक आपकी जिंदगी में आप क्या देखना चाहते हैं नंबर दो आपकी जिंदगी में आप क्या पाना चाहते हैं और नंबर तीन आपकी जिंदगी में आप क्या करना चाहते हैं ये तीन सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूं ध्यान से सुनिए सभी लोगों आपकी जिंदगी में आप क्या देखना चाहते हो दूसरा आपकी जिंदगी में आप क्या पाना चाहते हो और तीसरा आपकी जिंदगी में आप क्या करना चाहते हो एक बार एक व्यक्ति था मैंने कहा क्रिसमस को आना उसने कहा हां मैं आऊंगा मैं क्रिसमस को सिर्फ इसलिए आता हूं पास्टर का कोट देखने के लिए कि वो पास्टर कौन सा कोट इस बार पहन के आएगा अगर आप यहाँ आते हैं ना तो मेरा कोट देखने के लिए मत आइए अगर मेरा कोट ही आपको देखना है तो आप घर बैठिए मैं आपको फोटो भेज दूंगा हले लोहिया हले लोहिया कभी कभी लोग मुझे कहते हैं आप इतना रंगीला क्यों रहते हैं मैंने कहा मैं रंगीला हूं लेकिन दिमाग का ढीला नहीं हूं लुया और अगर आप भी जानना चाहते हैं कि मैं इतना रंगीला क्यों रहता हूं तो एक ही जवाब दूंगा आई एम ए स्पेशल मैं विशेष व्यक्ति हूं और विशेष को विशेष रहना चाहिए आप लोग भी एक स्पेशल व्यक्ति हैं जो भी परमेश्वर के बच्चे हैं जो भी प्रभु में है वे लोग एक विशेष एक स्पेशल व्यक्ति हैं लेकिन अभी कैसे रहना ये आपके ऊपर आता है हले लोहिया तो मैं एक विशेष व्यक्ति हूं और आप लोग भी एक विशेष एक खास व्यक्ति हैं। और खास व्यक्ति ने खास रहना चाहिए हरे लुहिया हरे लोहिया तो मैं अलग ही व्यक्ति हूं और इसलिए मैं हटके रहता हूं। अब कोई मुझे पसंद करे नहीं करे वो अलग बात है हले लोहिया सबका अपना अपना रहने का एक स्टाइल होता है जिंदगी जीने का एक अंदाज होता है हले तो मैं ऐसा ही हूं। हले मैं ऐसा ही हूं किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हाल कई लोग मुझे कहते पाशर आप ऐसे ही अच्छे लगते जो भी हो मैं आपको सवाल रख रहा था कि आपके जिंदगी में आप क्या देखना चाहते हो दूसरा सवाल है आपके जिंदगी में आप क्या पाना चाहते हो और तीसरा आपके जिंदगी में आप क्या करना चाहते हो यहाँ पे आज जो प्रभु के वचन को हम सुन रहे हैं जक्कई नाम का एक व्यक्ति था छोटेपन से उसकी इच्छा थी कि मैं बहुत पैसे वाला बनूँ मैं बहुत पैसे वाला बनूँ उसकी दूसरी की इच्छा थी मैं सरदार बनूँ बहुत बड़ा आदमी बनूँ और ये वे लोग जो चुंगी लेते थे टैक्स कर वसूली करते थे उनका ये मुखिया था उनका ये सरदार था तो आप सोचिए इसके पास कितना पैसा था बहुत पैसा था इसके पास बहुत पैसे वाला था और एक ऊंचे पद का इसका जॉब था यानी कि ये व्यक्ति एक अच्छे पद पे था अच्छा खासा पैसा था इसने सोचा कि अगर मुझे एक अच्छा पद मिलेगा मैं जिंदगी में एक बड़ा व्यक्ति बन जाऊंगा एक बहुत पैसे वाला बन जाऊंगा तो मैं बहुत खुश रहूंगा बहुत सुखी रहूंगा लेकिन ऐसा हुआ नहीं ये बड़ा व्यक्ति तो बन गया पैसे वाला भी बन गया लेकिन ये व्यक्ति ना खुश नहीं है सुखी नहीं है यहाँ पे लिखा है कि ये जो जक्कई नाम का जो व्यक्ति था वो ऐशु मसीह को सुनो सभी लोग ध्यान से वो ऐशु मसीह को देखना चाहता था किसको हाँ क्योंकि जब इंसान के पास पैसा आता है ना तो इंसान अच्छा अच्छा कपड़ा देख लेता है पैसे के दम पे वो सोना देख लेता है दुनिया की खूबसूरत जगहें देख लेता है अच्छे अच्छे खाने देख लेता है अच्छी अच्छी चीज़ों का आनंद ले लेता है तो पैसा आने के बाद ये व्यक्ति ने सब तरह का सुख भोग लिया फिर भी ये सुखी नहीं है खुश नहीं है ये अब यशु मसीह को देखना चाहता है हले किसको किस को देखना चाहता है यशु मसीह को देखना चाहता है वही सवाल मैंने आपसे पूछा कि आपकी जिंदगी में आप क्या देखना चाहते हो कोई व्यक्ति है उसकी जिंदगी में वो अपने आप को बड़ा पैसे वाले के रूप में देखना चाहता है कोई अपने आप को डॉक्टर के रूप में वकील के रूप में मैनेजर के रूप में एक बड़े पोस्ट के रूप में वो अपने आप को देखना चाहता है कई ये जो देखना है ना उसका मतलब है फोकस आपका फोकस क्या है आपका जिंदगी का मकसद क्या है कई लोगों की जिंदगी का मकसद एक लड़की रह गई एक गर्ल फ्रेंड उनकी जिंदगी का एक मकसद रह गई एक बॉयफ्रेंड किसी की जिंदगी का मकसद रहा किसी का एजुकेशन जो है वो उसकी ज़िंदगी का मकसद रहा किसी का मकसद पैसा रहा और किसी का मकसद कुछ और रहा हमारी ज़िंदगी में मेरे प्यारे भाई बहनों हम क्या देखना चाहते कई लोगों ने खूबसूरत लड़की को ज़िंदगी में चाहा उन्हें मिली वो मिलके भी ज़िंदगी नहीं खिली कई लोगों ने ज़िंदगी में बहुत पैसा देखना चाहा पैसा कमा के भी इंसान खुश नहीं ये दुनिया इतनी हसीन हो गई है इतनी रंगीन हो गई है लोग खो गए हैं गुमराह हो गए हैं किसी को पोष चाहिए किसी को पैसा चाहिए किसी को लड़की चाहिए किसी को लड़का चाहिए किसी को दुनियादारी चाहिए किसी को नशा चाहिए अयाशी चाहिए आज ऐसे लोग खिदर हैं जो परमेश्वर को चाहते हैं दुनिया परमेश्वर की है सूरज चांद तारे परमेश्वर का है हर एक इंसान को मां के पेट में आपको परमेश्वर ने बनाया लेकिन लोग पेट से बाहर आने के बाद लोग अपनी मां को भूल जाते हैं खुदा को क्या याद करेंगे हले लुहिया जो बच्चा माँ के पेट से जन्म लेता है ना जिसको वो पाल पोस के बड़ा करती पढ़ाती लिखाती है वो बच्चे भी अपने माँ का इज्जत नहीं करते तो ऐसा इंसान खुदा की इज्जत क्या करेगा हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको पूछ रहा हूं कि आपकी जिंदगी में आप क्या देखना चाहते आप पैसा देखना चाहते हैं आपको पैसा मिल जाएगा आप और कुछ देखना चाहते हैं आपको मिल जाएगा लेकिन आपको क्या लगता है कि आप बहुत पैसा आने से एक अच्छा लड़का एक अच्छी लड़की मिल जाने से एक अच्छा बहुत बड़ा पोस्ट मिल जाने से पूरी दुनिया में जो खूबसूरत जगह है वो घूम लेने से आपको क्या लगता है आप सुखी रहेंगे ये व्यक्ति बहुत पैसे वाला था बहुत नामचीन व्यक्ति था इसको लोग सुबह शाम सलूट करते थे हले उसको सलामी देते थे लेकिन फिर भी ये व्यक्ति अपने जीवन में खुश नहीं था अभी वो यीशु मसीह को देखना चाहता है किसको किसको देखना चाहता है यीशु मसीह को वो कहता है मैं यीशु मसीह को देखना चाहता हूँ वो कैसा है वो कौन सा है इसने बहुत बहुत सालों के बाद एक सही निर्णय लिया कि मैं अब मेरी जिंदगी में मैं यीशु मसीह को मैं परमेश्वर को देखना चाहता हूँ मैंने पैसा बहुत देखा कपड़े बहुत देखे खाना बहुत खाया दुनिया बहुत घूम ली बहुत प्रॉपर्टी बना ली अब मैं परमेश्वर को देखना चाहता हूं अब मैं परमेश्वर को देखना चाहता हूं अब मैं यीशु मसीह को पाना चाहता हूं अब मैं यीशु मसीह के लिए जीना चाहता हूं यीशु मसीह की सेवा करना चाहता हूं हालेलुया क्योंकि आपको पता है ना जब बहुत पैसा आता है तो पानी के जैसा आपके पास बहुत सारा सोना आ जाता है मोबाइल आ जाते हैं लैपटॉप आ जाते हैं अच्छा खासा घर बंगला आ जाता है गाड़ियाँ आ जाती हैं नौकर चाकर आ जाते हैं पैसे के दम पे बहुत सारी चीज़ें आप ख़रीद लेते हैं प्रॉपर्टी बना लेते हैं बहुत दुनिया में घूम के आ जाते हैं फिर भी लोग है ना खुश नहीं रहते ये व्यक्ति के पास जब पैसा आया ना इसने बहुत कुछ बहुत कुछ देख लिया अब बहुत उम्र बीत गई अब कहता है मैं यशु मसीह को देखना चाहता हूं हले और ईशु मसीह को देखना चाहता है पर कैसे पता है छुप छुप के छुप छुप के झाड़ पे चढ़ गया कहा चढ़ गया झाड़ पे चढ़ गया और पत्तों के बीच में छुपके वो यीशु मसीह को देख रहा है यीशु मसीह उस उस रास्ते से जा रहे थे और उसी झाड़ के पास आके यीशु मसीह रुक गए इसने सोचा मैं तो झाड़ पे चढ़ गया हूं पत्ते में छिपा हूं यीशु मसीह मुझे नहीं देख पाएंगे दुनिया में ऐसी कौन सी जगह है जो खुदा की नजरों से छिपी है ले और यीशु मसीह ने सुनो उसका नाम लेकर बुला है जी झट नीचे उतरा आज मुझे तेरे घर में आना अवश्य है यीशु मसीह आपका दिल में आपके जीवन में आपके घर में आपके भविष्य में वो आना चाहता है हालेलुया उसने कहा तू नीचे उतारा तू पहले ऊपर चढ़ा है ना वहां से नीचे आ जा कई लोगों के घमंड ने उनको कई लोगों के घमंड ने ना उनको बहुत ऊपर चढ़ा दिया कई लोगों के नशे ने ना उनको बहुत ऊपर चढ़ा दिया कई लोगों की भावनाएं इच्छाएं जो उनके अरमान है उनको बहुत ऊपर चढ़ा दिया यीशु मसीह कह रहे तेरा जो सपना है ना उस सपने से नीचे उतारा तेरी इच्छाओं से तेरी ख्वाहिशों से तेरे घमंड से तेरे नखरे नाटक से नीचे उतारा हले अगर आप परमेश्वर को देखना चाहते हो ना तो आप अपने ही अहंकार अपने ही घमंड में अपने ही पाप में रहकर आप परमेश्वर को नहीं देख सकते हालेलुया हालेलुया जौले को बोलो नीचे उतर आओ और उसके बाद क्या हुआ पता वो नीचे उतर आया उसको बहुत हैरानी हुई ईशु मसीह को मेरा नाम कैसे मालूम पड़ा क्योंकि मैं तो पहले कभी ईशु मसीह को नहीं मिला ईशु मसीह को मेरा नाम कैसे मालूम पड़ा पवित्र शास्त्र कहता है सुनो मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है क्या कहता है परमेश्वर मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है परमेश्वर के वचन में लिखा है मैं तुझसे प्रेम करता हूं इसीलिए मैंने अपनी करुणा तुझ पर सदा बनाए रखी परमेश्वर आपसे प्यार करता है और उसने अपनी करुणा पहले से आपके ऊपर बना के रखी है प्रभु का वचन कहता है जगत की उत्पत्ति के पहले मैंने तुझे चुन लिया जब ये दुनिया नहीं बनी थी तब परमेश्वर ने आपको चुना हले लोहिया गर खुदा से मोहब्बत करना यह भी कोई गुना है गर खुदा से मोहब्बत करना यह भी कोई गुना है तो मरते दम तक यह गुना मैं करता ही रहूंगा हाल ले लोहिया लोहिया परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना परमेश्वर को स्वीकार करना उसके वचनों को सुनना उसका भय मानना उसके रास्ते पे चलना उसकी सेवा करना कोई गुना नहीं है परमेश्वर ने हर किसी को बनाया हर किसी को जिंदगी दी जिंदगी में क्या कुछ परमेश्वर ने मनुष्य को नहीं दिया लेकिन ये जो मनुष्य है ना ये परमेश्वर के लिए क्या करता है रात दिन लोग अपने ही लिए भाग दौड़ मरते रहते मरते रहते और मर जाते हैं जब जिंदा रहता है तो इंसान कहता है पैसा 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 पैसा, पैसा। पर कमाऊं कैसा अभी बहुत कमा लिया उसको फिर टेंशन है अरे मैं मरूंगा तो ले जाऊं कैसा हा? जीते जी कमाने की चिंता रहती है और कमा ले कमा लेने के बाद लेके जाने की चिंता रहती है क्या देखना चाहते हो क्या पाना चाहते हो और जिंदगी में आप क्या करना चाहते हो सुनो हले लोहिया हले लोहिया ये व्यक्ति ने जिंदगी में बहुत कुछ देखा बहुत कुछ पाया बहुत कुछ किया लेकिन अब कह रहा है मैं यशु मसीह को देखना चाहता हूं मेरी जिंदगी में मैं यशु मसीह को पाना चाहता हूं मैं यीशु मसीह की सेवा करना चाहता हूं हले लुया हले लुया जब लोगों ने इस व्यक्ति के खिलाफ में बातें की इसकी निंदा की इसको चिढ़ाया इसका नाम रखा पता है इस व्यक्ति ने क्या कहा प्रभु अगर मैंने किसी का अन्याय करके कुछ ले लिया है तुम्हें तो उसको चार गुना लौटा दूंगा ये व्यक्ति पता है क्या कर रहा है पछताप कर रहा है अपने पाप का पछताप कर रहा है अपनी गलतियों को मान रहा है लेकिन यह व्यक्ति परमेश्वर को छोड़ने को तैयार नहीं है यह व्यक्ति अपने दोस्तों को अपने रिश्तेदारों को अपने पैसे को अपना सब कुछ छोड़ने को तैयार है लेकिन वो ये व्यक्ति जो है वो यशु मसीह को छोड़ने को तैयार नहीं है प्रभु तू मेरे घर आया है तू मेरे जीवन में आया है मैंने बहुत दोस्त देख लिया बहुत रिश्तेदार देख लिए बहुत पड़ोसी देख लिए बहुत पैसा देख लिया बहुत सारी चीजें देख ली पर मैंने जिंदगी में तुझे नहीं देखा था आज मैंने तुझे देख लिया दुनिया के बेशुमार दौलत से कीमती तू है हर किसी से खूबसूरत तू है सबसे बढ़कर तू है हाले हालेलुया हाले और वो व्यक्ति कहता है प्रभु मैंने किसी का भी लिया मैं चार गुना लौटा दूंगा पर तू मेरे घर से मत जा व्यक्ति कीमत चुकाने के लिए तैयार है सुनिए व्यक्ति कीमत चुकाने के लिए तैयार है लेकिन परमेश्वर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है यह व्यक्ति सब कुछ सहने के लिए तैयार है लेकिन परमेश्वर को छोड़ने को तैयार नहीं है यही मेरे साथ हुआ मैंने सब कुछ सह लिया बहुत कुछ मुझे त्यागना पड़ा बहुत कुछ मुझे छोड़ना पड़ा लेकिन मैंने एक निर्णय लिया था प्रभु आपको नहीं छोड़ूंगा आपको नहीं छोड़ूंगा और मैं वो व्यक्ति हूं आपको बता चुका हूं सात साल झाड़ू मारा टॉयलेट साफ किया कचरा उठाया सात साल और परमेश्वर ने उस व्यक्ति का जिंदगी ऐसे चमकाया है मैं रोड का भिखारी के जैसे हो गया था दो दो रुपए के लिए ना रोड पे जाके घूमता था अरे मैंने मेरी जिंदगी में जब परमेश्वर को देखना चाहा, परमेश्वर को पाना चाहा और परमेश्वर के लिए कुछ करना चाह परमेश्वर ने मेरा जीवन ही सवार दिया आज मैं सुखी हूँ, मैं बहुत खुश हूं जिसके पास अरबों, खरबों दौलत है ना उससे भी ज्यादा खुश मैं हूं लोगों के पास दुनिया की चीजें हैं पर मेरे पास दुनिया का बनाने वाला है दुनिया की चीजें जो तुम्हें नहीं दे सकती दुनिया का बनाने वाला तुम्हें सब कुछ दे सकता है आपको क्या चाहिए जिंदगी में वो इंपॉर्टेंट है मैंने कभी ऐसा कोट नहीं चाहा परमेश्वर पहनाता है हले लोहिया हले लोहिया मैं आपको वही मैं बार बार आपको मैं समझा रहा हूं कि आपकी लाइफ में आप क्या देखना चाहते हो आप क्या पाना चाहते हैं ऐसा क्या है जो आप देखना चाहते हैं और आप देख लेंगे तो वो लास्ट तक वो तुम्हारे साथ रहेगा ऐसा क्या है जो आप पाना चाहते हैं और पा लेंगे तो तुम्हारे पास से वो जाएगा नहीं मत करना मोहब्बत कभी तुम्हें जहां से गर करना है तो करो तुम खुदा से मत करना मोहब्बत कभी तुम्हें जहाँ से अगर करना है तो करो तुम खुदा से जुदाई हमेशा होती जहाँ से पर होती नहीं कभी खुदा से जिनके पास भी छोटे बच्चे रहते हैं ना कृपया करके आप पीछे बैठा करो मेरी आप सभी से विनती है जिनके पास भी छोटे बच्चे हैं थोड़ा आप समझ के ले लो आप थोड़ा पीछे बैठ जाया करो क्योंकि फिर लोगों को डिस्टर्ब होता है तो आप थोड़ा सा समझ के ले लो जल्दी से यहां पे ध्यान दे दे फिर यशु मसीह ने उसे कहा कि आज इस घर में क्या आया है आज इस घर में उद्धार आया है आज इस घर में उद्धार आया है उद्धार कब आता है उद्धार कैसे आता है लोगों को मालूम नहीं उधार लेने से उद्धार नहीं आता बजोल के बोलो उधार लेने से उद्धार नहीं आता परमेश्वर को स्वीकार करने से उद्धार आता है हले लुहिया हले और इस व्यक्ति की जिंदगी पूरी बदल गई आप भी ऐसे हो जाओ मुझे परमेश्वर को देखना है मुझे मेरी जिंदगी में कुछ नहीं मुझे परमेश्वर चाहिए मैं परमेश्वर को पाना चाहता हूं मैं परमेश्वर की सेवा करना चाहता हूँ मैं परमेश्वर के साथ चलना चाहता हूं और ये जिंदगी की ना बहुत बड़ी बात है परमेश्वर को देखना और परमेश्वर को पाना और परमेश्वर की सेवा करना अपने पेट की और अपनों की और अपने जानवरों की हर कोई सेवा करता है लेकिन परमेश्वर की लोग सेवा नहीं करते सब कुछ उसका है कुछ भी नहीं आपका है ये सूरज ये छान ये तारे ये धरती आसमान परमेश्वर का है वो पानी बरसाता है ये हाथ पैर दिल दिमाग किडनी लीवर नसें सब परमेश्वर ने दिया अनाज भी उसी ने होगा कुछ भी नहीं आपका है सब परमेश्वर का है इसलिए परमेश्वर को जिंदगी में देखो उसको पाइए उसकी सेवा कीजिए इससे बड़ी बात और कुछ भी नहीं है पैसा तो भिखारी भी कमाता है भीख मांग के कोई बड़ी बात नहीं है पैसा कमाना हेलो पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है भिकारी भी भीख मांग के कमाता है कमाने वालों से ज्यादा भीख भिकारी भी भीख मांग के कमाता है पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है दुनिया में बहुत सारी जगहों में घूम लेना कोई बड़ी बात नहीं गाड़ी ले, ले लेना घर ले लेना कोई बड़ी बात नहीं है परमेश्वर को देखना बहुत बड़ी बात है परमेश्वर को पा लेना बहुत बड़ी बात है परमेश्वर की सेवा करना उसके साथ चलना बहुत बड़ी बात है परमेश्वर के लिए जीना परमेश्वर के लिए खड़े रहना बहुत बड़ी बात है हालेलुया हालेलुया हले मैं संदेश को यहीं पे समाप्त कर रहा हूं परमेश्वर का आत्मा जो है आज रात को आपको सोने नहीं देगा ये तीन बातें मैं आपको बोल रहा हूं तुम्हारे दिलो दिमाग में ना घूमेंगी आज कि तुम्हारी जिंदगी में क्या देखना चाहते हो दूसरा तुम्हारी जिंदगी में आप क्या पाना चाहते हैं और तीसरा आपकी जिंदगी में आप क्या करना चाहते हैं एक दिन आप सब कुछ छोड़ के आप चले जाएंगे तो जाएंगे तो कहां जाएंगे यहाँ आया हर कोई यहाँ आया हर कोई पर रहेगा नहीं कोई भी समझ में आ रहा है यहाँ आया हर कोई पर रहेगा कोई भी नहीं दुनिया एक मेला है हाँ हले लोहिया हम मुसाफिर हैं भाज बोलो हम यहाँ मुसाफिर हैं एक दिन चले जाएंगे जाने के पहले क्या करना चाहते हो समय प्रार्थना करें परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं आपको स्तुति आपको महिमा देते हैं आपको आदर देते हैं प्रभु जो वचन आज बोया गया है वो लोगों के दिलो दिमाग में गूंजने दे और आपकी आत्मा बातें करे कि हमारी जिंदगी में हम क्या देखना चाहते हैं क्या पाना चाहते हैं और हमारी जिंदगी में हम क्या करना चाहते हैं प्रभु कुछ ऐसा देखे कुछ ऐसा पाले कुछ ऐसा करे जो लास्ट तक रहे कभी ना मिटे और ये वही बातें हैं जो तुझे देखता है जो तुझे पाता है और जो व्यक्ति तेरे लिए कुछ करता है वो लास्ट तक रहेगा बाकी सब कुछ मिटेगा प्रभु ये दुनिया की चीजें मिटेंगी ये दुनिया मिटेगी दुनिया के लोग मिटेंगे कुछ भी नहीं रहेगा सिर्फ तू रहेगा और जिन्होंने तुझे देखना चाहा तुझे पाना चाहा तेरी सेवा करना चाहा वे लोग भी तेरे संग रहेंगे हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम Amen.